नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रियलिस्टिक फेस किस तरह से ड्रॉ करना है, रियलिस्टिक फेस ड्रॉ करने की शुरुआत कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। सर्कल को मैं एक फेस के रूप में इसको एक्सटेंड करता हूं और फेस की आकृति में ड्रॉ करता हूं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बनने लगा है। उसके बाद आईब्रो, आँख और मुंह और नाक की जो लाइंस हैं जहाँ पे होनी चाहिए उसको मैं, उसके बाद धीरे धीरे फेस की स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से साइड में जो फेस के कान होने चाहिए उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ठुड्डी वाला एरिया, कान की डिटेल्स थोड़ी सी, और फेस के दोनों तरफ कान को आप ठीक से पोजीशन कर लीजिए। तो देखिए फ्री हैंड ड्राइंग करना इजी नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के थ्रू इसे इजी कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप आर्टिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो। यदि आप अपने आर्ट वर्क में निखार लाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, काफ़ी ज़रूरी है प्रैक्टिस करनी। दिन में मैं कहता हूँ हमेशा कि एक या डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस आपके लिए सफिशेंट है, पर कंटिन्यूस आप करने की कोशिश करिए। तो देखिए इस तरह से फेस का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ऑलमोस्ट बाल वाले जो एरियाज़ हैं और आईब्रोज, आई के लिए मैं जो लाइन मैंने खींची हुई है उसमें मैं आईज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। आई के ऊपर जो लाइंस होती हैं उसको ज़रूर बनाइए। हमारे जो आईज़ जब ओपन होते हैं तो आई के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में लाइंस बन जाती हैं, उसको हमें ध्यान में देना होता है। उसके बाद में नाक और मुंह देखिए किस तरह से आपको पोजीशन करनी है। तो फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रिड टेक्निक के थ्रू आप अच्छा रिजल्ट तो पा सकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। और यदि आप फ्री हैंड ड्राइंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ती जाती है, आपको ग्रिड टेक्निक की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। ग्रिड के थ्रू ड्राइंग करने का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आईब्रोज को मैं डार्क कर रहा हूँ, इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये 4B सीरीज की मैकेनिकल पेंसिल है, 0.5 mm की। 0.5 mm की एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहे हैं तो। तो देखिए इस तरह से जो आईब्रोज हैं उनको काफ़ी बारीकी से आप बना सकते हैं अगर आपके पास पतली लीड वाली इस तरह की पेंसिल है तो। और मैकेनिकल पेंसिल का बेनिफिट ये है कि आपको इसे छीलना नहीं पड़ता है, आपको बार बार छीलने की जो झंझट है उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो जब आपकी ड्राइंग हो जाए कंप्लीट तब आप उसकी शेडिंग करिए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से, तो शेडिंग मैं कर रहा हूँ स्टेलर की मार्स लोमोग्राफ पेंसिल से, और ये 2B सीरीज की पेंसिल है। इसके थ्रू मैं इंटायर फेस की शेडिंग कर रहा हूँ। आप चाहें तो HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो मुझे ज़्यादा हार्ड लगता है, तो पर्सनली मैं 2B सीरीज की पेंसिल से ही शेडिंग करता हूँ। तो ये 2B पेंसिल से पूरे फेस पे मैंने शेडिंग कर दी है। अब उसे मैं मेकअप ब्रश के थ्रू ब्लेंड कर रहा हूँ, साथ ही पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर रहा हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए। तो देखिए इस तरह से आँखों के आसपास, नाक के जो किनारे, जो डार्क पोर्शंस होते हैं उनको आप डार्क करते जाइए। मैं सेम उसी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, एक ही पेंसिल से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। 2B सीरीज की मैंने पेंसिल ली हुई है, मैंने पेंसिल के प्रेशर्स को अलग अलग तरीके से अप्लाई करके सारी चीज़ों को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारी पेंसिल्स यूज करें, आप 2 या 3 पेंसिल से ही अच्छी ड्राइंग, अच्छी पोर्ट्रेट आप बना सकते हैं। तो देखिए जो डार्क पोर्शंस हैं उनको डार्क करते जाइए, होंठों के नीचे, होंठों को, और जो डार्क एरिया, जो डार्क दिखाई दे रहा है या डार्क जिसे हमें दिखाना है, ड्राइंग के रूल्स के अकॉर्डिंग टेक्निकली हमें डार्क और लाइट एरिया को बनाना होता है। तो देखिए इस तरह से शेडिंग हो चुकी है और उसे मैं पेपर स्टम्प की सहायता से ब्लेंड कर रहा हूँ, साथ ही मैंने मेकअप ब्रश का भी यूज़ किया हुआ है। इस तरह से मेकअप ब्रश और पेपर बंडल का ठीक ठीक आप यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड कर पाते हैं अपने ड्राइंग को।
इसी तरह जिस एरियाज को मुझे हाईलाइट दिखानी है या जो चमक वाला एरिया होता है उसे हमें मिटाना पड़ता है या लाइट रखना पड़ता है, तो उसके लिए मैं कोहिनूर इरेज़र का यूज़ करता हूँ। तो देखिए इस तरह से लगभग हमारा फेस ड्रॉ हो चुका है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक साधारण पेंसिल के थ्रू आप काफ़ी इफ़ेक्टिव और एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। जब आप चेहरे की ड्राइंग करते हैं तो सबसे बाद में आप हेयर ड्रॉ करिए, मतलब बालों को आप सबसे लास्ट में बनाइए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो पहले भी बना सकते हैं, बट मैं पर्सनली हेयर को सबसे बाद में ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए फेस लगभग बन के तैयार है और उसके बाद थोड़ी सी और डिटेलिंग मैं कर रहा हूँ अपने फेस ड्राइंग के ऊपर। आप पेंसिल के स्ट्रोक्स को ब्लेंड करने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव और रियलिस्टिक लगेगी। तो हमारा फेस ऑलमोस्ट बन के तैयार है, अब बच गई है हमारी जो हेयर की ड्राइंग है। तो हेयर को किस तरह बनाना है, तो बालों को बनाने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 8B काफ़ी डार्क पेंसिल होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये बिल्कुल चारकोल जैसा इफेक्ट होता है इस पेंसिल का। तो देखिए सबसे पहले आप एक लेयरिंग कर दीजिए, सबसे पहले हल्की सी लेयरिंग इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। इंटायर बालों को आप एक हल्की सी लेयर उसमें कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे डार्क करते जाइए। इस तरह से आप डार्क पेंसिल का 10B या 8B का यूज़ करके उसको डार्क करते जाइए। तो हेयर ड्रॉ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शाइनिंग वाला एरिया है बालों का, जो शाइनिंग होता है या बालों में जिस एरियाज़ में चमक होती है, हाईलाइट होता है, उस एरियाज़ को हमें थोड़ी सी हल्की शेडिंग करनी है। उन एरियाज़ को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे फ्रंट वाला आप देख सकते हैं पोर्शन, मैंने थोड़ा सा उसे छोड़ दिया है ताकि मैं उसे हाईलाइट दिखा सकूं बालों के ऊपर, जबकि बाकी एरियाज़ को मैंने पूरी तरह से डार्क कर दिया है। इसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो काफ़ी डार्क होती है। आप हर तरह की सीरीज की पेंसिल अगर आप ड्राइंग के अंदर यूज़ करेंगे तो और काफ़ी इफ़ेक्टिव बनेगी, बट शुरुआती दौर में आपको 2 या 3 सीरीज की ही पेंसिल रखनी ज़रूरी है, एक लाइट शेड और एक डार्क शेड की पेंसिल, जिससे आप अच्छा रिज़ल्ट पा सकें, अच्छा ड्राइंग कर पाएँ और ड्राइंग के अंदर हर तरह के सिचुएशन को आप ड्रॉ कर पाएँ। तो देखिए इस तरह से हमारा ड्राइंग बन के तैयार है, पोर्ट्रेट। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी फाइनल टचअप दे देता हूँ हेयर के ऊपर। तो हेयर पे टचअप देने के लिए मैं 4B का मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो बारीक जो पार्ट्स हैं बालों के उनको ड्रॉ करने के लिए। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और यदि आप सीखना चाहते हैं ड्राइंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।